हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हिंदी में आज हम ठ का मुहावरा सीखेंगे। ठ से ठठेरा, ठठेरा मतलब कंसारू। आगे के वीडियो में हमने ट से टमटम और ठ से ठठेरा कैसे लिखते हैं वो सीखा था। आज हम ठ से ठठेरा वर्ब में कैसे करते हैं वो सीखेंगे। पढ़ो और लिखो, वाचो अने लखो। ये कौन सा चित्र है? ठठेरा का। यहाँ क्या लिखा हुआ है? ठ, और बीच में क्या लिखा हुआ है? ठठेरा। ये क्या लिखा है? गुजराती में ठ, और यहाँ बड़ा वाला ठ लिखा हुआ है, यहाँ भी ठठेरा लिखा हुआ है। अब ठ कैसे लिखते हैं वो हम सीखेंगे। छोटी सी बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे हम सर्कल और स्लिपिंग लाइन। तो ये बना ठ से ठठेरा, ठठेरा मतलब कंसारू। अब आगे ठ ढूंढकर उस पर सर्कल बनाओ, ठ सोधी तेना ऊपर गोल बनाओ। यहाँ हमें ठ ढूंढ पे उस पे राउंड बनाने हैं, मतलब सर्कल बनाने हैं। ठ पे ही हम सर्कल बनाएंगे, उसके अलावा दूसरे वर्ण पर हम सर्कल नहीं करेंगे। तो अब शुरू करते हैं। ये कौन सा है? ठ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ठ। तो हम यहाँ बनाएंगे सर्कल। आगे क्या लिखा हुआ है? च। तो हम यहाँ च पे सर्कल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम यहाँ सूचना में लिखा हुआ है कि ठ ढूंढ कर उस पर सर्कल बनाओ, तो हम च पे सर्कल नहीं करेंगे, हम सिर्फ ठ पे ही हम सर्कल करेंगे। यहाँ लिखा है ट, तो हम ट पे भी सर्कल नहीं करेंगे। यहाँ लिखा है भ, तो भ पे भी हम सर्कल नहीं करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है ठ, तो हम यहाँ ठ पे सर्कल करेंगे, क्योंकि यहाँ लिखा है ठ ढूंढकर उस पर सर्कल बनाओ, तो हमने ये सर्कल बना दिया। अब आगे थ, तो हम थ पे सर्कल नहीं करेंगे। आगे क्या लिखा है? ठ, तो हम यहाँ ठ पे सर्कल बनाएंगे, क्योंकि हमें सूचना में लिखा हुआ है ठ ढूंढ के उस पर सर्कल बनाओ। अब आगे ड, तो ड पे हम सर्कल नहीं करेंगे, क्योंकि सूचना में लिखा हुआ है कि ठ ढूंढ कर उस पर सर्कल बनाओ, तो हम यहाँ ड है तो ड पे हम सर्कल नहीं करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? ठ, तो यहाँ हमें ठ है तो फिर हमें यहाँ बनाएंगे सर्कल। आगे ल, तो ल पे हम सर्कल नहीं बनाएंगे। न, न पे भी हम सर्कल नहीं करेंगे। क, तो क पे भी हम सर्कल नहीं बनाएंगे। आगे लिखा हुआ है ठ, तो ठ पे हम सर्कल बनाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है? ख, तो ख पे भी हम सर्कल नहीं बनाएंगे। हमने यहाँ ठ ढूंढकर उस पर सर्कल बनाए। अब आगे पढ़ो, यहाँ क्या लिखा हुआ है? ठ, और आगे रंग भरो, रंग पुरो। यहाँ मैंने बीच में रंग भर के रखे हैं, आपको जो कलर अच्छा लगता है वो कलर आप भर सकते हैं। और आगे हम बिंदुओं को मिलावो, टपका जोड़ी ने जोड़ो। तो अब हम बिंदु मिलाएंगे, छोटी सी हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे हम सर्कल और स्लिपिंग लाइन, तो ये बन गया ठ। अब आगे पढ़ो और लिखो, वाचो अने लखो। यहाँ ठ लिखा हुआ है और यहाँ हमें बिंदु मिला के ठ लिखना है। तो अब शुरू करते हैं हम। पहले छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे सर्कल और स्लीपिंग लाइन, ये बन गया ठ। वैसे ही आगे ले करेंगे छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे सर्कल और स्लीपिंग लाइन, तो बन गया ठ। यहाँ पर भी हम वैसे ही करेंगे छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे सर्कल और स्लीपिंग लाइन, तो बन गया ठ। यहाँ पर भी हम बिंदु मिला के करेंगे छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे सर्कल और स्लीपिंग लाइन, तो बन गया ठ। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे सर्कल और स्लीपिंग लाइन, तो बन गया ठ। यहाँ पे भी छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे सर्कल और स्लीपिंग लाइन। तो हमने यहाँ बिंदु मिला के ठ सीखा। अब अपने आप कैसे लिखते हैं वो सीखेंगे। पहले हम बनाएंगे छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे सर्कल और स्लीपिंग लाइन, तो बन गया ठ। अब आगे की छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे सर्कल और स्लीपिंग लाइन, तो बन गया ठ। यहाँ पे भी हम छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे सर्कल और स्लीपिंग लाइन, तो बन गया ठ।
छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे सर्कल और स्लीपिंग लाइन, तो बन गया ठ। यहाँ पे भी छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे सर्कल और स्लीपिंग लाइन, तो बन गया ठ। यहाँ पे भी छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे सर्कल और स्लीपिंग लाइन, तो बन गया ठ। यहाँ पे भी छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे सर्कल और स्लीपिंग लाइन, तो बन गया ठ। छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे सर्कल और स्लीपिंग लाइन, तो बन गया ठ। यहाँ पे भी छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे सर्कल और स्लीपिंग लाइन, तो बन गया ठ। यहाँ हमने ठ का मुहावरा सीखा। अब आगे ठ को ठ से शुरू होने वाले चित्र से जोड़ो। ठ ने ठ थी शुरू थता चित्र साथे जोड़ो। यहाँ पे बड़ा सर्कल है, बीच में लिखा हुआ है ठ, तो हमें ठ से शुरू होने वाले चित्र से जोड़ना है। तो हम यहाँ देखते हैं पहले क्या लिखा हुआ है, यहाँ खरगोश। तो खरगोश कहाँ से शुरू होता है, ख से शुरू होता है, तो यहाँ हम चित्र के साथ नहीं जोड़ेंगे। अब आगे देखते हैं कौन सा चित्र है, ठेला। तो ठेला का जो शब्द है वो कहाँ से शुरू होता है, ठ से शुरू होता है, तो यहाँ हम ठेला का चित्र है वहाँ जोड़ेंगे। अब आगे कौन सा चित्र है, गधा। तो गधा का जो शब्द है वो ग से शुरू होता है, तो हम यहाँ नहीं जोड़ेंगे। ये कौन सा चित्र है आगे, अब ठठेरा। तो ठठेरा जो शब्द है कहाँ से शुरू होता है, ठ से, तो हम यहाँ ठठेरा का चित्र है वहाँ जोड़ेंगे। आगे कौन सा चित्र है, घड़ा। तो घड़ा का चित्र है और शब्द कहाँ से शुरू होता है, ग से, तो हम यहाँ नहीं जोड़ेंगे। आगे अब देखते हैं कौन सा चित्र है, ठहाका। तो ठहाका है वो शब्द कहाँ से शुरू होता है, ठ से शुरू होता है, तो हम यहाँ चित्र ठहाका है वहाँ जोड़ेंगे। आगे कौन सा चित्र दिखता है आपको, ठग का। तो वो शब्द कहाँ से शुरू होता है, ठ से शुरू होता है, तो यहाँ हम ठग से चित्र से जोड़ेंगे। ये हमने ठ को ठ से शुरू होने वाले चित्र से जोड़ दिया। अब आगे ठ के नीचे रेखा खींचो, ठनी नीचे लिटी करो। यहाँ शब्द लिखे है उसमें हमें ठ के नीचे रेखा खींचनी है, तो यहाँ कौन सा शब्द लिखा है, मठ। तो ठ कहाँ है, यहाँ पीछे ठ है, तो यहाँ हमें रेखा खींचनी है। आगे कौन सा शब्द लिखा हुआ है, ऊट। तो यहाँ ठ पीछे है, तो यहाँ हमें ठ के नीचे रेखा खींचनी है, तो वहाँ हम रेखा खींची। अब आगे क्या शब्द लिखा हुआ है, ठहर। तो हमें आगे ठ है, तो हम यहाँ रेखा खींचेंगे ठ के नीचे। अब कौन सा शब्द लिखा हुआ है, पाठक। तो ठ कहाँ है, बीच में, तो हम यहाँ बीच में रेखा खींचेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है शब्द, पाठशाला। तो ठ कहाँ है, यहाँ, तो बीच में ठ है, तो हम वहाँ रेखा खींचेंगे। आगे क्या लिखा है, ठग। तो यहाँ ठ के नीचे हमने रेखा खींची, तो यहाँ हमने शब्द में ठ के नीचे ठ से अलग वर्ण पर रोंग करो, ठ थी जुदा अक्षर ऊपर रोंग करो। यहाँ हमें ठ पे रोंग नहीं करना है, ठ से अलग वर्ण पर हमें रोंग करना है। तो अब चलो शुरू करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, ट। तो यहाँ ट है वो ठ से अलग वर्ण है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, रोंग की निशानी करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, ठ। तो हम ठ पे रोंग करेंगे नहीं, क्यों नहीं करेंगे, यहाँ लिखा हुआ है कि ठ से अलग वर्ण पर रोंग करो, तो हम ठ पे रोंग नहीं करेंगे। आगे क्या लिखा है, ड। तो ड पे हम करेंगे रोंग, ठ, तो ठ पे हम करेंगे नहीं, हम नहीं करेंगे, क्योंकि सूचना में लिखा हुआ है ठ से अलग वर्ण पर रोंग करो। तो यहाँ क है, तो क अलग वर्ण है, तो हम क पे क्या करेंगे, रोंग। आगे ठ है, तो ठ पे नहीं करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, ख। तो ख अलग वर्ण है, तो हम बनाएंगे रोंग की निशानी। आगे लिखा है ठ, तो ठ पे नहीं करेंगे। अब आगे क्या लिखा हुआ है, ग। तो घ पे हम रोंग की निशानी करेंगे। आगे लिखा हुआ है ठ, तो ठ पे हम नहीं करेंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, ड। तो ढ पे हम रोंग की निशानी बनाएंगे। यहाँ लिखा हुआ है ठ, तो ठ पे तो हम नहीं करेंगे।
अभी अब आगे ज लिखा हुआ है तो ज पे हम क्या करेंगे, रोंग की निशानी करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो ठ से अलग वर्ण है, तो इसके लिए हमें रोंग की निशानी करेंगे। आगे लिखा है ठ, तो ठ पे हम रोंग की निशानी नहीं करेंगे। यहाँ लिखा हुआ है भ, तो भ पे हम रोंग की निशानी बनाएंगे। ये हमने ठ से अलग वर्ण पर रोंग की निशानी की। अब आगे पढ़ो और लिखो, वाचो अने लखो। यहाँ पे हमने शब्द में ठ लिखना है, पर पहले देखते हैं कौन सा चित्र है, ठहा का। तो यहाँ ठहा का लिखा हुआ है, फिर हमने यहाँ बिंदु मिला के लिखना है, कौन सा? तो ठ। तो पहले हम लिखेंगे छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे सर्कल और स्लीपिंग लाइन। तो हमने लिख दिया ठ, और क्या शब्द बनता है, ठहा का। वैसे ही हम यहाँ लिखेंगे छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे सर्कल और स्लीपिंग लाइन, तो कौन सा शब्द बनता है, ठहा का। तो हमने ये ठ लिखा। अब आगे कौन सा चित्र है, ठग का, यहाँ लिखा हुआ है ठग। अब आगे हम बिंदु मिला के लिखेंगे छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे सर्कल और स्लीपिंग लाइन। यहाँ हमने बिंदु मिला के लिखा, अब हम यहाँ अपने आप लिखेंगे। तो पहले छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे सर्कल और स्लीपिंग लाइन, तो कौन सा शब्द बनता है, ठग। अब आगे का चित्र देखते हैं, कौन सा चित्र है, गठरी। तो यहाँ लिखा हुआ है बीच गठरी, तो यहाँ बीच में हमें लिखना है ठ, पर कैसे, बिंदु मिला के। तो यहाँ छोटी सी स्टैंडिंग लाइन, फिर बनाएंगे सर्कल, फिर स्लीपिंग लाइन, तो कौन सा शब्द बनता है, गठरी। अब अपने आप लिखेंगे, तो पहले हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन छोटी सी, फिर बनाएंगे सर्कल और स्लीपिंग लाइन, कौन सा शब्द बना, गठरी। अब आगे कौन सा चित्र है, ठेला। तो ठेला लिखा हुआ है, अब बिंदु मिला के लिखते हैं। पहले हम स्टैंडिंग लाइन बनाएंगे छोटी सी, फिर सर्कल बनाएंगे, फिर स्लीपिंग लाइन, तो बन गया ठेला शब्द। अब आगे अपने आप लिखेंगे, तो पहले हम बनाएंगे स्टैंडिंग लाइन छोटी सी, फिर बनाएंगे सर्कल और स्लीपिंग लाइन, तो ठेला शब्द बन गया। तो हमने यहाँ ठ लिखा। अब आगे शब्द में से ठ ढूंढकर उस पर सर्कल बनाओ, शब्द माथी ठ सोधी तेना ऊपर घोड़ बनाओ। यहाँ शब्द लिखे हुए हैं, उसमें से हमें ठ ढूंढकर उस पर सर्कल बनाना है। पहले शब्द है उसमें बनाया हुआ है, पर क्या लिखा हुआ है, ठहराना, तो उसमें ठ पे क्या हुआ है, सर्कल। अब आगे हम करेंगे, क्या लिखा हुआ है, पाठ, तो हमें कौन से वर्ण पर सर्कल बना है, ठ, तो हम यहाँ पे हम सर्कल बनाएंगे ठ पे। अब आगे क्या लिखा हुआ है, मठ, तो हमें कहाँ सर्कल बनाना है, ठ पे, तो हम यहाँ बनाएंगे सर्कल। अब आगे क्या लिखा है, पाठशाला, तो हम कहाँ सर्कल बनाएंगे, ठ पे, तो हमने ये बनाया। आज हमने ठ से ठठेरा सीखा। तो आपको भी अपनी वर्कबुक में ये ठ का मुहावरा करना है और रंग भी भरने हैं। थैंक यू।